संडास दिखाता हूँ। Yes. But it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price, of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है, वो 2014 में मिली है। ये तुम्हारा अंदाजा था या? क्या मेरा आंसर राइट था सर? एकदम राइट था, पर ये तुमने सॉल्व कैसे किया? पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते अपने आप आ गया। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल बाबा की कॉइन पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं फिर से कंगना को एक्सपोज करने जा रही हूँ। इसके नाम की तरह इसको इतना खनकाएंगे कि इसने कभी सोची ना होगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं बाहर से मजा आया। आपका एक वीडियो है सर, देखिए ना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देखिए ना सर। समझा क्या? दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि इस औरत ने बोला है कि हमें आजादी भीख में मिली है, लेकिन सच बात तो ये है कि इस औरत को, ये दो कौड़ी की औरत को पद्मश्री अवार्ड भीख में मिली है। You are right, bro. दोस्तों ये औरत खुद लक्ष्मी बाई का रोल करने वाली, ये हमारे देश के क्रांति वीरों का अपमान करती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों मूवी काल्पनिक होती है, और रियल लाइफ में हमारे देश के जो क्रांति वीरों ने जंग लड़के हमारे देश को आजाद कराया है, वो इतना आसान नहीं है। और ये औरत अपने मुंह से कुछ भी फालतू बक देती है, बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोल देना, इसके दिमाग में तो वैसे भी भूसा भरा है, और ये बस उठती है, कहीं भी चलती है और मुंह से कुछ भी हक देती है। ये तो चट्टी है। दोस्तों बहुत ही आश्चर्य की बात ये है कि जब कंगना ने टाइम्स ग्रुप के न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के शो पर जब ये बात कही, वहाँ पर बैठे हुए कई लोग जो सूट बूट में आए हुए थे, उन्होंने भी ताली बजाई, उन सब लोगों ने ताली बजाई। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती, कंगना तो सिरफिरी है ही, वो दिमाग से पागल है, वो सटकी हुई है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठ के तालियां बजा रहे थे, उनके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ था? उनका दिमाग कहाँ चला गया था जो उनके बात पर तालियां बजा रहे थे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि जो फिल्मों में हीरो होते हैं ना, वो रियल में विलन होते हैं, और जो फिल्मों में विलन होते हैं वो रियल में हीरो होते हैं। आप लोग को पता ही है, हमारे सोनू सूद जी जो विलन का रोल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ हीरो हैं। और दोस्तों सोनू सूद जी को अगर पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ? जिन लोगों की सोनू सूद जी ने मदद करी है, उन लोगों की, उन सब की दुआएं सोनू सूद जी के साथ है और हमेशा रहेंगी। कल परसों के बॉलीवुड वाले को इतनी चर्बी चढ़ गई कि ये लोग अपने खाल से, अपने औकात से बाहर निकल गए हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। दोस्तों ये अपनी नाम की तरह ज्यादा खनकने लगी और ज्यादा बकवास भी करने लगी है। कौन इनको इतना परमिशन देता है जो ये कुछ भी बोल देती है, मुंह उठा के, मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देना है। और ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि इनके बोलने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा देश के सेंटिमेंट्स के साथ। बुरा लगता है भाई। कंगना रनौत जो आए दिन कंट्रोवर्सीज एफआईआर्स में घिरी रहती है, उन लोगों को, ऐसे घटिया लोगों को नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही बड़ी असम्मान की बात है उन लोगों के लिए जो दिल से डेडिकेशन थे, जो अपने कार के लिए, अपने काम के लिए, जो अपने मन से, कर्तव्य से काम कर रहे हैं, उन लोगों को दिल से हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनको अवार्ड देने से अवार्ड की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे घटिया लोगों को अवार्ड मिलते हैं जो इसके हकदार नहीं है, तो ये अवार्ड का रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लगता है, और जो कि आम इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहनचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इन लोगों का मुंह बंद होगा, वरना ये आगे जाकर फिर ऐसा कुछ बकवास करेगी, फालतू का हक के चली जाएगी, इसलिए इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और आप लोग भी आवाज उठाइए। तो स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।